संभलते औद्योगिक उत्पादन और खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों पर संसद में आज मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। सरकार द्वारा कल जारी आईआईपी आंकड़ों को अच्छा संकेत मानते हुए अब ये माना जा रहा है कि विकास की गाड़ी पटरी पर आने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में इस बात का आश्वासन दिया कि अगले 2 से 3 सालों में आर्थिक विकास की तस्वीर और सुनहरी हो सकती है। देयर आर इंटरनेशनल फैक्टर्स, देयर इज बीन टू क्राइसिस इन द इंटरनेशनल सिस्टम, ऑल्दो वी आर इन डिफिकल्टीज, we are confident, as the finance minister mentioned in his budget speech, we are confident that in 2 to 3 years time we will return the economy back to the robust growth path of 7 years. उधर सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश में लोगों को महंगाई से राहत मिलती दिख नहीं रही। कल जारी सरकारी आंकड़ों से साफ है कि महंगाई की दर फरवरी में बढ़कर 10.91% हो गई, जो कि जनवरी में 10.79% थी। बढ़ती महंगाई के सवाल पर विपक्ष लगातार यूपीए सरकार को घेरने में लगा है, लेकिन सरकार का दावा है कि उसने महंगाई दर पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। an effective distribution channel or a logistics chain, which is one of the reasons why we say the distribution channel and the logistics chain must be improved so that what is produced on the farm comes to the consumer in the market. उधर प्याज के बढ़ते दामों से परेशान सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। वो चीजें जो बहुत महंगी हैं, जिनसे जनता महंगाई से परेशान है, तो प्याज के बारे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आपकी क्या नीति है, उसमें क्या कोऑर्डिनेशन है कि आपकी मुख्यमंत्री को भी लिखना पड़ता है कि आप एक्सपोर्ट बैन करिए। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने राज्यसभा में कहा कि सरकार के पास प्याज का इतना भंडार नहीं है जिससे प्याज के देश में आपूर्ति पूरी करने के बाद उसे निर्यात किया जा सके। अनसीजनल रेन हुई, जहां से दिल्ली को प्याज आता है लेट खरीफ का, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, वहां भयंकर बारिश हुई है, आजादपुर मंडी बंद रही है, उसके बाद स्थिति में सुधार हो गया। प्याज के संबंध में कीमत बढ़ी है, इसलिए उसके निर्यात पर, एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी है। विकास और महंगाई पर इस पशुपेश के बीच सबकी निगाहें अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर होगी, जो कि 19 मार्च को मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। और उससे पहले भी महंगाई दर के आंकड़ों पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अगर महंगाई के आंकड़ों में कुछ भी बढ़ोतरी देखी जाती है तो ब्याज दरों में कमी की संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है। अरुण शर्मा, DD News, नई दिल्ली।